शादी के पहले लड़के के बारे में क्या क्या जानकारी लड़की को या उसके माँ बाप को होना ज़रूरी है, मतलब प्री मैरिटल काउंसलिंग, उसके बारे में मैं आपसे आज ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे पेरेंट्स, माँ बाप मेरे पास में आते हैं कि भाई हमने फलाना फलाना लड़का देख लिया है, तो अभी उसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो हमने शादी करना क्या। जैसा एक प्रॉब्लम बताया उन्होंने कि लड़के के माँ को डिप्रेशन है, या लड़के के पिताजी को डिप्रेशन है, या उनके घर में बहुत बड़ा मानसिक बीमारी हो चुकी है, किसने सुसाइड कर लिया है। तो जब ऐसी बातें हो चुकी है, तो मैं लड़की वालों को पहले सवाल करता हूँ कि क्या यह रिश्ता आपके लिए आखिरी का है कि पहला है। नहीं, बोले पहला ही, अभी तो एक दो ही लड़के देखे हमने। बोले क्यों ऐसा करते हो, क्यों जाते हो? ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हेरिडिटरी समझो प्रॉब्लम है, अनुवंशिक यदि प्रॉब्लम है, उनके घर में अनुवंशिकता है मानसिक बीमारी की, तो वो लड़के को लिस्ट में आखिरी रखना चाहिए, तुरंत ही लेना चाहिए। ये लड़के को समझो नंबर दो, उसको मानसिक बीमारी हो चुकी है पहले, अभी ठीक है मगर मानसिक बीमारी, या वो बाहर जाने आने में घबराता है, या उसको टेंशन है, बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है, एंग्जाइटी बहुत है, या डिप्रेशन है, या फोबिया है, तो वो देखना जरूरी है कि भाई ये लड़का काम करेगा कि नहीं करेगा। नंबर तीन, वो लड़के को शराब की आदत है क्या, शराब पीता है क्या? होता क्या है कि शराब पीता भी होगा तभी माँ बाप, लड़के के माँ बाप बोलते नहीं है, और बोलते नहीं कभी कभी लेता है, आजकल तो सभी लोग लेते हैं वैसा वैसा, और बोलते कि नहीं अभी शादी के बाद में सुधर जाएगा। काय का सुधर जाएगा, शादी के बाद में वो ज़्यादा ज़्यादा पीना चालू कर देता है। तो शादी के पहले वो कितना पीता है, पीता है तो किसके साथ में पीता है, मतलब अल्कोहलिक है क्या, अल्कोहल एडिक्ट है क्या? और अल्कोहलिक एडिक्ट है क्या, तो फिर बाद में कैसा होगा तो आपको पता ही है कि बहुत कठिन कार्यक्रम हो जाएंगे। घर में किसको ऐसा, उसको घर में किसको बीमारी है क्या, या घर में कोई बीमार होके उनका पालन पोषण करना पड़ रहा है क्या इसके घर में? समझो कोई डिप्रेशन है, या कोई डिमेंशिया है, उसके नाना नानी दादा दादी को डिमेंशिया हो चुका है, अब उनका घर में रहना बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम हो जाता है। घर में रखना उनको, हम उनको बोलते कि भाई रिहैब सेंटर में रखो, घर में रखना ठीक नहीं है, मगर वो घर में रखने के लिए मतलब लोग वहीं नहीं नहीं घर में रखना जरूरी ऐसा बोलते रहते हैं। जो लड़की शादी करके वहाँ जाती है उसको बहुत तकलीफ हो जाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती, तो वो देखना जरूरी है। सेक्सुअली नेक्स्ट, सेक्सुअली लड़का पक्का ठीक है कि नहीं है, अब ये कैसा देखे, ये बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि होता क्या है कि अभी आजकल तो इतने लोग मेरे पास में आ रहे हैं कि जिनको समलिंगी आकर्षण है, और स्त्री के तरफ उनको देखने की इच्छा ही नहीं होती। काफ़ी सारे लोग आते हैं, मतलब ये तो मालूम ही नहीं था पहला इतना है, तो अभी तो इतनी चर्चा उसकी हो रही है, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं कि नहीं मुझे है ना लड़की के साथ में प्यार करने की या सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। तो वो देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है क्या, होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन है क्या उसका, या उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन कम है क्या, अभी ये कैसा जानकारी करेंगे। बहुत तकलीफ वाला कार्यक्रम है ये, कि ऐसा डायरेक्ट पूछेंगे तो लड़के वाले हर्ट हो जाएगी, वो सेक्स बराबर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी इसके लिए मैं इनडायरेक्ट टेस्ट उनको बताता हूँ कि आप उनको ऐसा करो कि भाई आप सीमेन एग्जामिनेशन कर लो, मतलब जो वीर्य है तो वीर्य का तपास करना जरूरी है। तो वीर्य का तपास यदि करते हैं वो, तो उसमें से मालूम पड़ जाता है कि उसमें स्पर्म काउंट कितना है, और वहाँ से पता चल जाता है कि ये सेक्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी इसमें बदमाशी हो सकती बात अलग है, मगर वो एक टेस्ट करके हम ले सकते हैं। फिर दूसरा HIV है क्या, मतलब एड्स, मतलब लड़के को है वो टेस्ट हो चुकी है क्या। फिर ब्लड ग्रुप में निगेटिव है क्या ब्लड, क्योंकि निगेटिव ब्लड रहा तो उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, उसको कभी मानसिक बीमारी पहले हो चुकी है क्या, शराब उसने लिया है क्या, वो तो हम देखेंगे, मगर इसके पहले कोई TB की बीमारी हो चुकी है, या कोई और बड़ी कोई बीमारी हो चुकी है क्या, या दिमाग में कभी बुखार घुस गया है और वहाँ से थोड़ा दिमाग हल्का हो चुका है तो प्रॉब्लम आता है। कभी माँ बाप क्या बोलते हैं, नहीं हमारा लड़का है ना वो सादा भोला है। अब सादा भोला कहाँ का, वो सादा भोला है नहीं, वो तो मेंटली टार्डेड है, मतलब ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ाई के बारे में देखना पड़ता है, लोग झूठा बोलते हैं कि हमारा लड़का BCOM है, BA है। आजकल तो 10वीं पास होना तो बहुत आसान है, वैसे ही 10th क्लास तो वैसे ही पास कर लेते हैं, BA BCOM तो कॉपी करके कहीं भी पास हो जाता है। तो फिर भरोसा किसके ऊपर रखना, सर्टिफिकेट देखना जरूरी है कि सर्टिफिकेट सचमुच बताओ कि सर्टिफिकेट है क्या, और सर्टिफिकेट देखने के बावजूद भी सच्ची उसको दिमाग है कि नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट तो कैसा कोई भी कॉलेज का मिल जाएगा, और कैसा भी करके आज लाते हैं। मतलब मैंने ऐसे देखे हुए लड़के BA हो चुके हैं और उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, BCOM में उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता,
वो ऐसा एक 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 शब्द करके पढ़ते हैं, मतलब उनको ऐसे निकाल दिया। BAMS होने के बाद में लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर मतलब समझो ऐसा कोई है मेमेंटो, समझो ऐसा शब्द है। तो लर्निंग डिसऑर्डर में होता है कि मेमेंटो है ना, तो मेमेंटो में वो एन खा डालेंगे, एन लिखेंगे नहीं, वो तो मेमेंटो हो जाएगा। ऐसे जो सॉफ्ट वर्ड्स है ना वो निकल जाएंगे, वो तो वो लर्निंग डिसऑर्डर में होता है। कभी कभी वो पढ़ नहीं सकता, कभी लिख नहीं सकता, बाकी बहुत होशियार है, बाकी धंधा पानी बहुत अच्छा कर रहा है, मगर पढ़ना लिखने नहीं आता, क्योंकि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है कि वो अच्छा, ये भी देखना जरूरी है कि वो कौन से कंपनी में है, कौन से कंपनी में मतलब उसके दोस्त लोग कौन से, उसका परिवार कौन सा है। अच्छा, लड़का नौकरी करता होगा तो वो सच्ची नौकरी वो कंपनी में करता है कि नहीं करता है, कि टेम्पररी कुछ तो भी वो नौकरी में ऐसा डेली वेजेस पे है, या पक्की नौकरी है क्या उसको, या बिजनेस भी है तो अभी अभी डाला हुआ है क्या बिजनेस। होता क्या है कि लोग अभी अभी बिजनेस डालते क्योंकि शादी करना है, बिजनेस डाल देते बोले हाँ किराने का दुकान है, या फलाना बिजनेस है, या होटल डाल दिया, एक साल में होटल गुंडाल के वो किराना दुकान गुंडाल के रखना पड़ता है, और लड़का अनएम्प्लॉयड हो गया, कोई काम धंधा नहीं है, और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं। तो कोई एक साल का दो साल का कोई बिजनेस है या नौकरी है तो कन्फर्म नौकरी है कि नहीं है, कन्फर्म नौकरी नहीं है तो फिर टेम्पररी नौकरी है। हमारे पास में तो मैं बैंक का चेयरमैन हूँ, हमारे पास में काफ़ी सारे लोग आते हैं कि आपके बैंक में हमारा लड़का फ्री में आ जाएगा, दो चार महीने छः महीने उसको काम करने दो, एक हम सर्टिफिकेट लेंगे, वहाँ जब सर्टिफिकेट लेंगे तो नौकरी एक लड़की मिल जाएगी, क्योंकि जब बैंक में लड़का काम कर रहा है तो बाद में आपने निकाल दिया तो भी चल जाता है। मतलब ऐसे भी लेके प्रस्ताव लेके आते हैं हमारे पास में कि बस बताने के लिए लाओ, एक सर्टिफिकेट हमको लगा लो और एक सर्टिफिकेट दो कि भाई बैंक में काम कर रहा है करके, मतलब ऐसा आप हो रहा है क्या। तो ये सब लड़के के बारे में जानकारी होना जरूरी है, और ये जानकारी आप लेते हैं तो ये प्री मैरिटल काउंसिलिंग में सब आते हैं। जब हम प्री मैरिटल काउंसिलिंग करते हैं तो मालूम पड़ता है। इसमें और एक देखना पड़ता है कि उसका कोई अफेयर था कि नहीं, उसके कौन से दोस्त थे, उसका शादी के पहले अफेयर था क्या। अब शादी के पहले अफेयर है और वो चल रहा है उसका, और ये हाँ ज़बरदस्ती शादी कर रहा है ये लड़की के साथ में, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स है। तो अफेयर चल रहा है कि नहीं, उसका हिस्ट्री क्या है मतलब, तो वो सब देखेंगे तो आगे चल के लड़की को प्रॉब्लम आएंगे नहीं। ये मैंने ऐसे मुद्दे बताए मैंने आपको कि जो लड़की वालों ने, लड़की के पिताजी ने देखना जरूरी है। अब जो आता सवाल उल्टा भी कि लड़की के बारे में क्या जानकारी करना जरूरी है जब शादी करना है, तो काफ़ी सारे बातें कॉमन हो सकती है जो मैंने अभी बताया वो कॉमनली है। अभी इसमें ये सेम है कि मानसिक बीमारी उनके घर में है क्या, लड़के को मानसिक बीमारी है क्या, अभी उसकी डिग्री बराबर है कि नहीं है, सचमुच डिग्री सच्ची डिग्री है कि नहीं है, कि खोटी डिग्री है, फिर डिग्री है भी तो भी सच्ची उसको लिखना पढ़ना आता कि नहीं आता, फिर उसकी MC जो है मेंस्ट्रुएशन तो वो बराबर होता है कि नहीं होता है, कि या उसमें प्रॉब्लम्स है, या तो फिर वो प्रॉब्लम पहले से ही है और बाद में शादी के बाद में और प्रॉब्लम होना शुरू, बच्चा होता ही नहीं है, फिर बच्चा हुआ नहीं है, फिर ये उधर जाओ उधर जाओ, बच्चा तो चाहिए चाहिए, बच्चा नहीं होगा तो कैसे होगा, लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, और फिर बच्चे होने की कोई गारंटी नहीं है, और फिर डाइवोर्स का प्रॉब्लम आता है कि नहीं हमको डाइवोर्स होना, कि बच्चा नहीं हो रहा है, लड़की में प्रॉब्लम है, तो ऐसा वो मतलब मेंस्ट्रुएशन बराबर नहीं है कि नहीं है, उसके कुछ अफेयर्स पहले थे क्या लड़की के, उसको एड्स की बीमारी है क्या, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते रहे। मतलब जब हम शादी करेंगे लड़की के साथ में तो लड़की का बैकग्राउंड क्या है, उसके कोई बॉयफ्रेंड्स पहले थे क्या, ये सब जानकारी यदि हम करते हैं, और बेस्ट जानकारी आपको वहाँ से मिलती है, कौन से लोग, जो उनके पड़ोसी है। तो आप कभी भी जानकारी निकालना तो पड़ोसी के पास में जाके जानकारी निकालो, पड़ोसी में कौन लोग रहते हैं, उनके एरिया में कौन लोग रहते हैं, उनका उनके बारे में क्या मत है, जो जो कंपनी में काम करे वो कंपनी के उनके जो सहकारी है जो डिस्टेंट है मतलब रोज के मिलने वाले नहीं, तो वो उसके बारे में क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है, ऐसी पूरी जानकारी यदि आप निकालते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम कम होगा। तो इस तरह का प्री मैरिटल काउंसिलिंग बहुत जरूरी है। ये वीडियो काफ़ी लोगों को काम में आ सकता है। हमारा मिशन जो है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, तो इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा यदि आप लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और आप जब बेल का आइकॉन आता है ना उसको भी क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगा। हम ऑनलाइन काउंसिलिंग भी करते हैं, प्री मैरिटल काउंसिलिंग में ऑनलाइन काउंसिलिंग, मानसिक पेशेंट के लिए भी ऑनलाइन काउंसिलिंग करते हैं, और हमारे यहाँ जो पेशेंट भर्ती होते हैं वो बिना रिसार भर्ती होते हैं, रिसार उनके साथ में भर्ती होते हैं और उनका इलाज हम करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।